हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा, तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ये लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। लिखो तो एक क्वेश्चन, इन ए कंडक्टर, सर अभी आप कहाँ से क्वेश्चंस कर रहे हैं? अभी ये बुक है, कौन सा साइज वाला? अच्छा, मेरी बुक से? हाँ। सर मेरी बुक से तो इलेक्ट्रिसिटी के तीन तीन चैप्टर दिए हैं, ये सिर्फ पहले चैप्टर है, इसके बाद दो चैप्टर और हैं। अच्छा, ये जो दो चैप्टर है लिखो तो, इन ए कंडक्टर। सर मैं बुक ही खोल देता हूँ, बुक कहाँ पे है? और तो बुक का कितना नंबर पेज है? 187 पेज है। 187 पेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखो तो, इन ए कंडक्टर 6 × 6.25 × 10^16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इट्स एंड ए टू बी। इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ इन 2 सेकेंड। फ्लो करने में इधर टाइम कितना लगा है? 2 सेकेंड लगा है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इसमें करंट का वैल्यू निकालना है कितना होगा, और डायरेक्शन भी, डायरेक्शन भी बताना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन कैसे बताना है? वो तो मेरा आ गया, पाई आ गया। अब यूनिट का नहीं, सर पाई का है, पाई ए, पाई एम्पियर ना। हाँ, करंट है ना, तो करंट का एम्पियर होता है। पाई एम्पियर तो नहीं होगा, अरे मेगा एम्पियर होना चाहिए। बता रहे हैं, देखो ए टू बी इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ए टू बी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है ना, वो करंट के डायरेक्शन का अपोजिट होता है, वो हम लोग उल्टा मान करके चलते हैं ना। अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी जा रहा है तो करंट बी टू ए जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो आई निकालेंगे कैसे? आई निकालने के लिए फॉर्मूला है क्यू बाई टी। अब उसमें क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू तुम लोग निकाल के बताओ कि क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, टोटल चार्ज कितना आएगा? चार्ज निकल जाना चाहिए, क्यू बराबर एनी। हाँ, क्यू बराबर एनी हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 6.25 × 10^-3 एनी का वैल्यू कितना आ गया? (10 × 10^-3) हम लोग करना क्या था, 6.25 × 10^16 इतना चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10^-19। तो 10 × 10^-3। चार्ज अगर फार्मूला नया याद रहे ना तो भी तुम लोग निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10^-19, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 6.25 × 10^16 इलेक्ट्रॉन है,
तो इस पर ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना है 16 से, तो फॉर्मूला याद न रहने से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इतना आ गया, इतना बटा 2 कर दो, आई बराबर हम लोग जानते हैं क्यू बाई टी, तो हम लोग कर देंगे 10/2, 5 × 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अब इसको एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। सेकेंड सेकेंड लास्ट स्टेप ये वाला जो मल्टीप्लाई की, आई बराबर हम लोगों को क्यू बाई टी करना है ना, तो क्यू बाई टी करने के लिए आई बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू कितना है 10 × 10 टू द पावर -3, तो आई बराबर कर देंगे 10 × 10 टू द पावर -3 और टोटल कितना 2 सेकेंड में, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो आ गया 5 × 10 टू द पावर -3, इतना आया हमारा एम्पियर। और मिली एम्पियर में जब डिवाइड करना हो, मतलब मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान में रखना, इसे करंट का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। और डायरेक्शन लिख लो करंट का, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी B to A। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखो, ए कार बल्ब, ए कार बल्ब कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉ 2 एम्पियर करेंट व्हेन ग्लोइंग। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब? ए कार बल्ब कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉ 2 एम्पियर करंट व्हेन ग्लोइंग, इसे 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब? तो बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? हाँ, ओम्स लॉ यहाँ पर यूज करेंगे। और उसके बाद इसी में और क्वेश्चन है, विल द रेजिस्टेंस बी विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस, मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग? अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? सर पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टेज सेम ही चीज होती है। हाँ, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। रेजिस्टेंस 6 ओम आ जाएगा। रेजिस्टेंस नहीं ग्लो कर रहा है, सेम रहेगा तो फिर ग्लो करता ही रहेगा। आर कॉन्स्टेंट रहेगा अगर करंट सेम फ्लो कर रहा होगा तो, लेकिन अगर सेम करंट फ्लो कर रहा होगा तो फिर तो बॉल जल ही रहा होगा। बॉल नहीं जल रहा है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। सबसे पहले तो ओम्स लॉ भी बराबर हम लोग यूज बता रहे हैं, ओम्स लॉ यूज करेंगे भी बराबर आई आर, तो आर निकालना है तो हम लोग भी बटा आई लिखेंगे। तो भी कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट और करंट 2, तो ये आ गया 6 ओम। अब देखो यहाँ पर अगर सर्किट है हमारा, यहाँ पर अगर बल्ब जल रहा है और यहाँ पर बैटरी लगाए हैं, तो जब तक ये बैटरी लगा हुआ है ना तब तक बल्ब जलता रहेगा। बल्ब जलना बंद कर दिया इसका मतलब कि यहाँ से जो स्विच था ना इसका तार का, वो ऑफ कर दिया गया है। स्विच ऑफ करने का मतलब ये सर्किट खत्म हो गया। तो
तो सर्किट खत्म हो गया, इसका मतलब कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ग्लो नहीं कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है मतलब कि करंट हम लोग का जीरो हो गया है। और करंट आई ब्रॉड क्या होता है, वी बाई आर। ये वाला जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब आर का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, भी मतलब कुछ कांस्टेंट गिवन रहे, भी का वैल्यू बैटरी मतलब जैसा लगा था वैसा ही लगा रहे, और आर इनफिनाइट अगर हो जाएगा तब हम लोगों को करंट जीरो मिलेगा। आर इनफिनाइट का मतलब कि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना। तो इसका आंसर होगा कि रेजिस्टेंस विल बी लेस, रेजिस्टेंस विल बी हाई इफ बल्ब इज नॉट ग्लोइंग हाई। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आंसर दिया है ना लोग दिया है रेजिस्टेंस विल बी लेस व्हेन बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, तो वो भी एक्सप्लेन करते हैं वो कैसे होगा। अभी तो यहाँ पर लिख लो, रेजिस्टेंस विल बी इनफिनाइट वेरी हाई, ब्रैकेट में इनफिनाइट कर लेना, इफ बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। और सेकेंड केस ये हो सकता है कि बल्ब का जो रेजिस्टेंस है ना वो रिप्लेस करके यहाँ पर सिंपल वायर लगा दिया हो, तो वायर का तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो वायर का रेजिस्टेंस कम होगा तो फिर हीट नहीं होगा, या फिर ऐसे करो बल्ब का साइज ही ऐसे हो गया, या फिलामेंट की जगह यहाँ पर वायर लगा दिए, तो वायर लगा दिए जिसका रेजिस्टेंस अब बहुत कम हो गया, जैसा वायर था वैसा ही ये भी हो गया, तो रेजिस्टेंस कम होने से हीट जो हमारा होता है आई स्क्वायर आर ए वाला बहुत कम हो जाएगा, निग्लेजिबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस निग्लेजिबल हो गया है ना, तो फिर हमारा बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। तो या तो हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया इनफिनाइट के बराबर, करंट फ्लो करना ही बंद कर दिया, या फिर लिखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है एकदम कम हो गया, बहुत ज़्यादा लेस हो गया, जिससे कि ये हीट ही नहीं हो पा रहा है, हमारा बल्ब का जो फिलामेंट है वो हीट हो ही नहीं पा रहा है, तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसका। अच्छा, हाँ ये हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। और शायद अभी और होगा, हीट रूट अभी नहीं बताए हैं, हीट सीरीज पैटर्न रेजिस्टेंस भी नहीं बताए हैं, वो भी बताना है। एक और क्वेश्चन लिखो, टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल हाँ, टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ हैव रेडियाई 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो वायर है, एक 1 मिलीमीटर रेडियस है, दूसरा का रेडियस है 2 मिलीमीटर। कंपेयर द रेजिस्टेंस फर्स्ट, फर्स्ट में लिखेंगे कंपेयर, फर्स्ट में लिखेंगे देयर रेजिस्टेंस और सेकेंड में लिखेंगे देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंपेयर फर्स्ट में लिखेंगे रेजिस्टेंस और सेकेंड में लिखेंगे देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो मटेरियल जो है ना उस पर डिपेंड करता है, जैसे अगर हम लोग कॉपर या सिल्वर का एग्जांपल ले तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब करंट इसमें इजीली पास कर जाता है। हमारा जो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पर ए जो रो है वही हम लोग का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और इसका सबका एक निश्चित वैल्यू होता है। अगर कॉपर वायर यूज कर रहे हो तो उसका एक निश्चित वैल्यू होगा, लेंथ घटाने बढ़ाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, सिल्वर लेंगे तो उसका एक स्पेशल वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है किसी भी वायर का, लेकिन उसका रेजिस्टेंस जो होता है ना वो लेंथ को घटाने बढ़ाने से घटता बढ़ता है, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा। नीचे दिखा देते हैं सबका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नीचे तुम लोग को बुक में दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर रेजिस्टिविटी सबका दिया है, सिल्वर का सबसे कम होता है,
सिल्वर का सबसे कम होता है, इसलिए उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। ए वाला कम होगा तो ए भी कम हो जाएगा। हाँ, लेंथ एरिया से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सिर्फ उसके मटेरियल के गुण पर डिपेंड करता है कितना होगा, मटेरियल कैसा है। नहीं हो पा रहा है। हम लोग को क्या क्या दिया है, देखो हम लोग को रेडियस दिया है, तो रेडियस कहाँ से आएगा, यहाँ पर एरिया, वायर का जो एरिया होता है, वायर तो गोल होता है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ए हो जाएगा आर बराबर रो इंटू एल बटा पाई आर स्क्वायर। अब देखो रो जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कहाँ गया, टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, लेंथ सेम है ठीक है, एल का वैल्यू सेम है और सेम मटेरियल का है, तो रेजिस्टिविटी तो ऐसे ही सेम हो गया। तो जो सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया था देख कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कंपेयर करें, तो हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो सेम ही रह जाएगा, रेडियस के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पुराना वाला का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि रो वन और रो टू, ये दोनों का दोनों बराबर ही हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों वायर में ये सारा का सारा चीज कॉन्स्टेंट है, हम लोग का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, अगर रेडियस को दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, हाफ करेंगे तो डबल हो जाएगा, दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर रेडियाई 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर है, तो आर वन अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हमारा होगा 1/1 का स्क्वायर 1 यूनिट, और आर टू अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हम लोग का हो जाएगा 1/, रेडियस इसका 2 है ठीक है, 2 मिलीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 1/4 मिलीमीटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर आर वन 1 है तो आर टू कितना आ जा रहा है, 1/4। तो अगर हम लोग आर वन को 4 कर दें तो आर टू कितना हो जाएगा, 1। तो इन दोनों के जो रेजिस्टेंस में मतलब अंतर होगा वो 4:1 का होगा, रेशियो इन लोगों के रेजिस्टेंस का 4:1 हो जाएगा। इसको हम और एक दूसरा तरीका से भी बता देते हैं, रेजिस्टिविटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दोनों का सेम ही रहेगा। हम लोग को निकालना है R1/R2, और R1 हो जाएगा हम लोग का 1/R² के प्रोपोर्शनल, और R1 कर देते हैं और R1/R2 के स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना, R1/R2, बाकी सारे कुछ तो कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं R2² / R1²। अब R2 कितना है, सेकेंड वाला का जो रेडियस है वो 2 मिलीमीटर है और फर्स्ट वाला का रेडियस 1 मिलीमीटर, दोनों का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 4/1 मतलब 4:1। ये समझ में आया, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जो भी करवा रहे हैं वो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट है उसमें ठीक है ना, तो इसको अच्छा से नोट करके रखना, रिवीजन करते समय इसको यूज करना। नेक्स्ट लिखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर, हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ, मतलब 30 से 90 सेंटीमीटर कर दिया गया, व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना, और किसी का नहीं आ रहा है। हम लोग दिया वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, मतलब R1 का वैल्यू कितना दिया है, 9 ओम,
और हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर, एलोन कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग से आर टू पूछा है कितना होगा, और एल टू का वैल्यू कितना कर दिया है, एन टू का वैल्यू हम लोग कर दिया है 3 गुना ना, 90 सेंटीमीटर, ट्रिपल 90 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों यहाँ पर कॉन्टेंट है, देखो रेजिस्टिविटी तो कॉन्टेंट होता ही है, एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब कि हमारा जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़े, एल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पर आर वन बाई आर टू अगर हम लोग कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 27 तो हो ही जाएगा। आर वन बाई आर टू करेंगे तो एल वन बाई एल टू आ जाएगा ना, तो एल वन कितना है, एल वन 30 है और एल टू है 90, और आर वन का वैल्यू कितना हम लोग को रखना है 9, तो यहाँ से आर टू निकाल लो तो ये आ गया 30, तो आर टू बराबर 27 ही आ रहा है, लेकिन आंसर गलत दिया है, आंसर में 1 दे दिया है। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, 27 ओम ही आंसर हो जाएगा, नहीं हो रहा किसी का। देखो इसमें दिया है वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल हैज रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 4 दिया है 4, 4 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, रो इंटू एल बाई ए, ये बताया थे पिछला क्लास में भी। व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब रो सेम हैविंग लेंथ एल बाई टू। अब नया रेजिस्टेंस निकालना है जिसपे रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, लेंथ एल बाई टू हो जाएगा, तो एल बाई टू कर दिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a हो जाएगा, 2a कर दिए तो ए हो गया 1/4 रो इंटू एल बाई ए, तो 1/4 इंटू रो इंटू एल बाई ए का वैल्यू देखो फर्स्ट वाला में दिया है 4, 4 तो ये कितना आ गया 1, ये आंसर हो गया। देखो अब हम लोग को समझना है रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल, अगर दो तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहा तो वहाँ पर हम लोग करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और पैरेलल में लगा रहा तब कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर मान लो रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से लगा हुआ है, तो ए हो गया आर वन, ए हो गया आर टू, ए हो गया आर थ्री, और इसको हम लोग जोड़ दिए एक बैटरी से, तो ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन कहलाता है। इसमें हम लोग को बस ध्यान यही रखना है कि अगर सीरीज में लगा हुआ है कोई भी रेजिस्टेंस तो करंट जो होगा सब में इक्वल फ्लो करेगा। यहाँ से अगर 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो वही 1 एम्पियर आर वन से भी जाएगा, आर टू से भी जाएगा, आर थ्री से भी जाएगा, लेकिन वोल्टेज सबका इंडिविजुअल जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। ये वी वन हो जाएगा, ये वी टू हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा वी थ्री, और ये जो तीनों वोल्टेज का सम होता है ना वो टोटल मिला करके वी के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये भी समझ लो उसके बाद नोट करना। अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, वी बराबर आई इंटू आर, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है, तो आई इंटू इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब वी वन करेंगे तो वी वन इंडिविजुअल आर वन रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो करंट आई वन इंटू आर वन होगा, लेकिन आई वन को आई ही हम लिखेंगे क्योंकि हमारा जो आई वन है वो आई के बराबर है, आई टू भी हमारा आई के बराबर है, और आई थ्री भी हमारा आई के बराबर है, तो आई आई दोनों तरफ से कॉमन लेकर के हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। हम लोग का जो आर इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना है। अगर सीरीज में तीन चार रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग से पूछता है तो हम लोग सिंपल सबको ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पर मान लो 2 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, यहाँ पर 3 एम्पियर है, और कोई हम लोग से पूछा कि बताओ टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 3 2 5 4 1 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो रेजिस्टेंस, कंपैरेटिव वोल्टेज विल बी डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टेंस,
क्योंकि वोल्टेज हमारा जो होता है वो आई इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है। अब आई तो सब में सेम है, लेकिन R1 तो सबका अलग अलग है, रेजिस्टेंस तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज हो जाएगा। अगर यहाँ पर R1 यूज कर रहे हो तो ये V1 हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, हेडिंग दे देना, और उसके नीचे लिखना पहला सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए फर्स्ट लेंगे हम लोग दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक सीरीज कनेक्शन होता है, दूसरा पैरेलल कनेक्शन होता है। तो फर्स्ट लिखेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स इसमें लिखेंगे लेट R1, R2 एंड R3 इज थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। एंड लेट टोटल सप्लाइड वोल्टेज इज V। उसके बाद लिखना टोटल वोल्टेज V विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और मैथमेटिकली वी कैन राइट वी कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद ये वाला लिख लेना, फिर आई आर इक्विवेलेंट, फिर आर इक्विवेलेंट। क्या किया? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, न्यूमेरिकल में हम लोग इसका ही यूज करेंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम उसे देख लो उसका यूटिलाइज कैसे करना है। देखो तो ए सर्किट है, ए सर्किट हैव थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। वैल्यू ऑफ टू रजिस्टर्स आर गिवेन, वैल्यू ऑफ टू रजिस्टर्स आर गिवेन, R1 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 3 ओम। इफ टोटल रजिस्टेंस इज, इफ टोटल रजिस्टेंस इम रजिस्टेंस इज 9 ओम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R3। उसके बाद लिखना दीज ऑल रजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। फोर हो जाएगा 9 में से, बाकी 2 रजिस्टेंस का सम हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद सेकेंड लिखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, सेकेंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। इसका रिजल्ट क्या आता है, किसी को याद है? आर इक्विवेलेंट यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 रेजिस्टेंस, इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखो तीनों पैरेलल में लगा हुआ है। ये हमारा हो गया R1, R2 और ये हो गया R3 और ये हो गया वोल्टेज V।
यहाँ पर हम लोग क्या डिस्ट्री से अलग डिफरेंट रहने वाला है। यहाँ पर देखो कैरेंट यहाँ से जाएगा आई कैरेंट, और यहाँ पर जाने के बाद तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें जाएगा आई वन, इसमें जाएगा आई टू, इसमें जाएगा आई थ्री। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम जाएगा, जिसका कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, इसलिए हम सबको अलग अलग लिखे हैं। तो यहाँ पर अभी नोट मत करना इसको, आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। और वोल्टेज जो है तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग का भी लगा हुआ है। ये भी वोल्टेज जो है क्योंकि तीनों का तीनों जो रेजिस्टेंस है ना वो एक ही बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है, एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो यहाँ का वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है, यहाँ का 2 वोल्ट है, तो सारा का सारा 1 2 1 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिफरेंस सबका सेम हो जाएगा, एक ही सेल के क्रॉस लगा हुआ है। वही जब हम लोग सीरीज में यूज कर रहे थे ना तो बीच में कोई सेल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ का पर V1 और V2 हो जाता था, लेकिन अब एक ही बैटरी से कनेक्टेड है अगर सारा, तो हम लोग बोलेंगे कि वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है, वोल्टेज डिफरेंस। तो आई बराबर हम लोग लिखेंगे वी बटा आर इक्विवेलेंट, ये बराबर होगा वी, यहाँ पर वी वन नहीं लिखेंगे। वी वन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबका तो वोल्टेज वी ही है, एक ही बैटरी से सारा कनेक्टेड है। तो वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर1 प्लस 1 बाई आर2 प्लस 1 बाई आर3। ये हम लोग का पैरेलल में रिजल्ट आया। अब इसमें स्टेटमेंट लिखना है, लेट थ्री रजिस्टेंसेस या थ्री रजिस्टर्स आर वन आर टू एंड आर थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेट सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस देम इज वी, देन आई टोटल या फिर आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। उसके बाद नीचे लिख लेंगे आई बराबर वी बटा आर इक्विवेलेंट बराबर वी बटा आर वन प्लस वी बटा आर टू प्लस वी बटा आर थ्री, इसलिए 1 बटा आर इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि दो रजिस्टर्स पैरेलल में लगा हुआ है, ये हो गया हमारा आर वन और ये हो गया आर टू, इस केस में हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो इसका रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे, 1 बटा आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1 बटा आर1 प्लस 1 बटा आर2 के बराबर। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा आर वन आर टू, और ऊपर में हो जाएगा आर टू प्लस आर वन, ये 1 बटा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर वन आर टू बटा आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ पर लिख लेना इन केस ऑफ टू रजिस्टर्स इन पैरेलल, स्पेशल केस एक तरह से हो गया है, इन केस ऑफ टू रजिस्टर्स। तीन के केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो तीन वाला हम लोग नहीं निकालते हैं। जब तीन रजिस्टर आएगा ना तो हम लोग इस तरीका से सॉल्व करेंगे, और जब दो रजिस्टर आएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे और नीचे में दोनों का एडिशन ले लेंगे। तो इतना नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो, इन क्या दो रजिस्टर अगर हम लोग, हाँ,
नहीं, थ्री के लिए हम लोग सिर्फ ए यूज करेंगे, ए वाला सिर्फ और सिर्फ टू रजिस्टर के लिए यूज करेंगे, तीन के लिए नहीं होगा, फॉल गलत हो जाएगा। दो के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में मल्टीप्लीकेशन और नीचे में एडिशन, तो डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तीन के लिए ये वाला यूज करना है। तीन के लिए अगर हम लोग करते हैं, तीन के लिए अगर करते हैं तो वन इसको ऐड करना पड़ेगा ना, इसको ऐड करना में देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, आर वन आर टू आर थ्री। मतलब हम समझ नहीं रहे, तुम आर वन और आर थ्री यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता है। अच्छा हाँ, मतलब तुम चाहो तो ए वाला सिर्फ यूज कर सकते हो इतना। हाँ, वो वाला सिर्फ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट हो गया है, इससे क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होता है, वो आगे हम बताएंगे कैसे इजी होता है। तो अभी इसको नोट कर लो और आगे कैसे आसान पड़ता है वो हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो, तो टू रजिस्टर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल रेस्पेक्टिवली। टू रजिस्टर्स ईच ऑफ 1 ओम रजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल रेस्पेक्टिवली। व्हिच अरेंजमेंट विल ड्रॉ मोर करेंट, ज्यादा करंट किस में होकर के जाएगा। व्हिच अरेंजमेंट विल ड्रॉ मोर करंट, मतलब कि दो रेजिस्टेंस है, एक इस तरह से कनेक्टेड है, 1 ओम 1 ओम का है दोनों, और एक इस तरह से कनेक्टेड है, तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि किस में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। सीरीज वाला में ज्यादा करंट जाएगा, देख लेते हैं हम दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल करके। बाकी किसी का है और यहाँ पर हम लोग का जो आर इक्विवेलेंट आएगा 1 प्लस 1 आएगा 2 ओम, और इसमें जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 × 1/1 + 1, यही कर देते हैं ना, ऊपर वाला का मल्टीप्लाई नीचे वाला का सम, 1/2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका कम हुआ, इसका ना, तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, ये ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। पैरेलल वाला में ज्यादा करंट जाएगा। घर में जो सारा सर्किट जुड़ा रहता है वो सीरीज में रहता है या फिर पैरेलल में, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, तो ये सारा पैरेलल में, क्योंकि अगर सबको सीरीज में जोड़ देंगे ना तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, और हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा तो करंट फिर इंटर ही नहीं करेगा घर में, तो फिर सारा उसका इफिशियंसी जो है हर मशीन का घट जाएगा, इसलिए हम लोग सारा पैरेलल में जोड़ते हैं। वायर घर में इस तरह से इंटर करता है, पहले यहाँ पर बल्ब लगाना है तो बल्ब लगा दो, फैन लगाना है यहाँ पर फैन लगा दो, इस तरह से सारा काम होता है। सीरीज में एक और नुकसान है, अगर मान लो कहीं पर एक तो वायर टूट गया तो सारा का सारा सर्किट हमारा ऑफ हो जाएगा, सारा जो मशीन वगैरह लगा हुआ है सब काम करना बंद कर देगा। अब पैरेलल में कहीं पर एक टूट गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
देखो सीरीज में अगर हम लोग चार बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर दूसरा बल्ब लगा दिए, तीसरा बल्ब लगा दिए, तो रेजिस्टेंस तो हमारा बढ़ ही जाएगा। मान लो किसी तरह से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो बल्ब फ्यूज होगा तो ये सर्किट टूट जाएगा। सर्किट अगर टूटता है तो हम लोग का ये वाला अगर यहाँ से ब्रेक होता है ना, तो आगे करंट जाना ही बंद कर देगा। इधर का भी सारा बल्ब ऑफ, इधर का भी सारा बल्ब ऑफ, तो हम लोग इसलिए सारा कुछ पैरेलल में लगा करके रखते हैं घर में। देखिए पूरा सीरीज इसका कंपैटिबिलिटी चीप है, तो चलता है क्या बोल रहे हो? सर। टेलिंग द टीवी अरेंज एंड मेनी इक्विपमेंट्स इन सीरीज कनेक्शन दे विल बी वेरी चीपर मींस चीप एंड इफ वी कनेक्ट ऑल इन पैरेलल इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। चीप होगा हाँ, क्योंकि दो वायर की जगह पर एक वायर से काम हो जाएगा ना। अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो एक वायर से काम हो जाएगा, और वही पैरेलल में हम लोग करते हैं तो, लेकिन वायर तो दोनों लग ही रहा है, एक वायर ऊपर है एक वायर नीचे है, तो उतना ही तो पड़ा कॉस्ट, वायर तो आखिर लग ही जा रहा है पूरा। हाँ फिर एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करो। एक सर्किल है, सर्किल में 4 ठो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कितना होगा। लिखो 4 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड, 4 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर नाम ले देते हैं ए और ए वाला बी। नेट 4 आ रहा है, टू आ रहा है ना, और बाकी और किसी का। हाँ इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हारा तो सही है आंसर, यहाँ से अगर हम लोग कर लेंगे तो 2 ठो ऊपर में सीरीज में हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हाँ रीअरेंज करेंगे तो ए ऐसे हो जाएगा, 2 ओम 2 ओम 2 2, फिर ऊपर वाला दोनों को जोड़ लेंगे तो ए हो गया 4, और फिर नीचे वाला जोड़ लेंगे तो ये हो गया 4। अब ये पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में क्या कर लेंगे, 4 × 4 बटा 4 + 4, 16/8 = 2 ना। दे ऐसे भी याद रख लेना, अगर सेम रेजिस्टेंस 2 ठो पैरेलल में लगा हो तो कुल मिला करके वो हाफ हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया लास्ट वाला सी? सर क्वेश्चन तो जैसे हम 6 वोल्ट लेते हैं, नाइस कमिंग 0.25 एम्पीयर। पहला हम बोला था कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, तो वो हो गया 4 + 20 24, ए का हो गया 24, बी में था करंट, तो करंट हो गया हम लोगों का कितना, आई बराबर वी बटा आर, वी कितना है, वी 6 वोल्ट और आर 24, तो कितना हो गया 1/4, 0.25 एम्पियर। तो उसके बाद थर्ड में पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प, भी किसके क्रॉस, लैम्प के क्रॉस, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, आई इंटू, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है ना, तो आई हम लोग जितना आया है 1/4 वही लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस कितना लेंगे,
लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो लेना पड़ेगा आर एल, तो 1/4 इंटू लैंप का रेजिस्टेंस 20, तो ये आ गया 5 वोल्ट। और इस वायर के क्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, ये V1 प्लस V2 मिला करके हम लोग को कितना दिया है, 6 दिया है। नीचे बैटरी 6 वोल्ट का लगा हुआ है ना, ये वाला 6 बराबर V1 प्लस V2, और V1 हम लोग को नहीं पता है, V2 कितना है 5 वोल्ट, तो V1 आ गया 6 माइनस 5 1 वोल्ट। हाँ एक तो ये वाला यूज कर सकते हैं, V1 बराबर I इंटू आर 4, तो I का वैल्यू 1/4 इंटू आर 4 का वैल्यू 4 इक्वल टू 1 वोल्ट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तुम्हारा भविष्य समझ में आया कि छूट गया? अरे ना उसी एक बार फिर से बता देते हैं ना, हम लोग को लैंप के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, ठीक है। एक्चुअली में ए वी वन है, और वी वन हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू आर वन, करंट हम लोग आई वन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है, और ऊपर हम लोग पढ़े थे कि सीरीज में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। वी टू हम लोग क्या लिखेंगे, आई इंटू आर टू, आर टू मतलब वो लैंप का रेजिस्टेंस, तो वही वी टू हम लोग को तो निकालना है। आई का वैल्यू 1/4 और आर टू लैंप का रेजिस्टेंस 20, तो 5। वोल्टेज हम लोग इंडिविजुअल सबका अलग अलग निकाल सकते हैं सीरीज के केस में, वही अगर पैरेलल के केस में रहता तो फिर वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम होता, फिर वहां पर हम लोग ए फार्मूला वी बराबर आई आर इस तरह से यूज नहीं करते, वोल्टेज नहीं निकालते। हो गया ना, क्या बोल रहे हो? मैथ करा दे अब। कर लो थोड़ा मैथ भी कर लो। निकालो नंबर सिस्टम। किस चीज का टेस्ट? अच्छा सिलेबस हमको सेंड कर देना। और नंबर सिस्टम लिख लो, नंबर सिस्टम में सबसे पहले लिखो कुछ डिफिनेशंस है उसके बारे में हम पहले बता देते हैं, या फिर अगर तुम लोग को याद है तो फिर हम उसको लिखवाएंगे। नहीं नेचुरल नंबर बोलो क्या होता है, नेचुरल नंबर हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाता है, तो सबसे पहले लिख लो नेचुरल नंबर। हाँ चैप्टर का नाम रियल नंबर है, नेचुरल नंबर में लिखेंगे द सिंपलेस्ट नंबर आर द सिंपलेस्ट नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट वन टू थ्री फोर डॉट डॉट द नंबर्स बींग यूज्ड इन काउंटिंग कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब एक से लेकर के इनफिनाइट तक जितना सारा नंबर है वो नेचुरल नंबर है। जीरो को हम लोग नेचुरल नंबर में नहीं डालेंगे, जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सेकेंड लिखेंगे होल नंबर WHOLE,
इसमें लिखो नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो द नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स हम लोग का हो जाएगा ये जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके इनफिनाइट तक। उसके बाद लिखेंगे इंटीजर्स, इंटीजर में हम लोग का हो जाएगा द नेचुरल नंबर्स कॉमा देयर निगेटिव्स एंड जीरो मेकअप द इंटीजर्स, मतलब जेड के जगह पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से सारा कुछ, सारा होल मतलब सारा नंबर आ जाएगा इंटीजर के अंदर, बस फ्रैक्शन में पॉइंट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है रेशनल नंबर, जो हमारा पॉइंट में आता है या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। जेड होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और नेचुरल नंबर को एन से। उसके बाद रेशनल नंबर, हाँ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू वेयर क्यू आर क्यू इज नॉट जीरो। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर क्यू इज नॉट जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसी में नीचे लिख लेना रेशनल नंबर इज आइदर ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर रेशनल नंबर इज आइदर ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, होता है ना कोई कोई पी बटा क्यू के फॉर्म में रहेगा, उसको डिवाइड करोगे तो फिक्स आएगा वैल्यू कुछ ना कुछ, जैसे 1/2 का फिक्स वैल्यू आएगा 0.5, लेकिन 1/3 करेंगे तो 0.333 आते रहेगा, तो ए टर्मिनेटिंग हो गया ए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इरेशनल नंबर इज आइदर ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, RECURRING नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इसी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। ए 5 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि इसको 5/1 लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं 4+3i, इसको 4+3i या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 4+√-3।
ठीक है, ए अंडर रूट माइनस वन जो होता है ना, वही हम लोग आई के बराबर होता है। इसका एक्चुअल हम वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। 3i जो है इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट हो गया और ये वाला जो है इमेजिनरी पार्ट हो गया। और रियल इमेजिनरी दोनों को जब मिला देते हैं तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अंडर रूट माइनस वन आई है तो अंडर रूट माइनस थ्री कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस वन और इंटू रूट थ्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री आई, उसको रूट थ्री कर देते हैं। क्या वेयर आर द कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगा, इलेवेंथ में जरूरत पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी सिर्फ जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक चीज होता है। जैसे हम लोग रियल नंबर पर रहे ना, तो ऑब्वियसली इमेजिनरी नंबर भी होगा, और रियल इमेजिनरी दोनों को मिला देंगे तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसमें लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी नंबर ऑफ द फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर आर, लिखना एक बार थोड़ा सुधार करना, कॉम्प्लेक्स नंबर आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी क्या बोल रहे हो? हाँ वो भी लिख लेना है, ए प्लस आई बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर एंड आई बराबर अंडर रूट माइनस वन। वेयर आई इज इमेजिनरी नंबर, आई हमारा इमेजिनरी नंबर है। देर बराबर हम लोग लिखेंगे थ्री प्लस फोर आई, तो इसको लिख लेना ए हमारा रियल है और ए वाला पूरा इमेजिनरी पार्ट है, दोनों मिलाकर के कॉम्प्लेक्स हो गया। रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर हम लोग का सारा कुछ आ जाएगा, जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर ये बोल सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर सारा कुछ आ जाता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर। इरेशनल का हो जाएगा जैसे जिसका पूरा पूरा वैल्यू निकलता नहीं है, जैसे अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री हम लोग का इरेशनल है, अगर उसका रूट हम लोग निकालेंगे ना तो कभी पूरा निकलेगा नहीं। ये हो गया। उसके बाद फैक्टर्स तो पता ही है, फैक्टर नहीं लिखवाते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल ये पता है, इवन पता है, इवन ऑड पता ही होगा, दो चार छः आठ इवन है और ऑड में क्या हो जाएगा एक, हाँ 135 हो जाएगा। उसके बाद लिखना प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, एक साथ लिख लो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर कौन सा होता है जिसमें सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होता है, एक वन से और एक खुद से, और जो कंपोजिट नंबर होता है वो तीन नंबर से डिवाइड होता है, एक वन से, एक खुद से, और एटलीस्ट एक और कोई नंबर होना चाहिए जिससे वो डिविजिबल हो।
जैसे अगर तीन को हम लोग देखेंगे तो तीन सिर्फ एक से डिविजिबल है और तीन से, तो ये हमारा हो गया प्राइम। और अगर चार को देखेंगे तो वन से, दो से, चार से, तो ये हो गया कंपोजिट। ठीक है, छः, छः को देखेंगे तो वन से, दो से, तीन से, छः से, ये हो गया कंपोजिट। तो इसमें लिखना ऑल नेचुरल नंबर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय, ऑल नेचुरल नंबर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर अदर देन वन एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। ऑल नेचुरल नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर अदर देन वन एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो फिर वन क्या है, प्राइम या फिर कुछ और है? वन प्राइम होगा, हाँ वन प्राइम नहीं है, लिख लो बाई कन्वेंशन वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। टू हमारा क्या है, टू प्राइम नंबर है, टू थ्री फाइव सेवन डॉट 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 आर प्राइम नंबर्स। उसके बाद लिखना नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं है उसको कंपोजिट बोलेंगे, या फिर सिंपल बोल सकते हो कि जो वन, जो वन इट सेल्फ और किसी एक ऑड नंबर से डिविजिबल है उसको भी हम लोग कंपोजिट बोलते हैं। उसके बाद लास्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में पॉइंट वाइज करके लिख लेना, फर्स्ट पॉइंट लिखना ए नंबर इज इरेशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब उसका अगर डेसिमल में हम लोग निकालना चाहे वैल्यू तो कभी खत्म नहीं होगा, कुछ न कुछ आते ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, पाई, ये सारा कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अब रियल नंबर के अंदर देखो ये दोनों आ जाता है, रेशनल नंबर और ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर ही है, इमेजनरी नहीं है। इमेजनरी तभी होगा जब उसके अंदर आई लगा रहेगा। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, रेशनल नंबर एंड ई रेशनल नंबर टेकन टुगेदर रेशनल नंबर एंड ई रेशनल नंबर टेकन टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना सम ऑफ ए रेशनल नंबर, सम ऑफ
इरेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा, इज ऑलवेज इरेशनल। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ ए इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट भी हमेशा इरेशनल होगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हर टाइम इरेशनल ही है, इरेशनल भी आएगा पर हर टाइम इरेशनल है ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल अभी तो इसका नहीं है, एग्जाम्पल आगे मिलेगा तो हम बता देंगे। अगर हम लोग ऐसे सिंपल एग्जांपल लोगे तो रूट टू प्लस रूट थ्री ये तो इरेशनल ही है, पर ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इसके बाद ये भी लिख लो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल। जैसे मान लो कि रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री तो इरेशनल है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के बाद ये थ्री बन गया जो कि रेशनल नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। हो गया ना। उसके बाद हो गया है, उसके बाद लिखो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स इसमें टाइप वन लिखेंगे, डिवीजन में टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं मान लो एग्जांपल 7/8, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 0.8। जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव मिल रहा है। इसमें लिखना द डेसिमल एक्सटेंशन 0.875 इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। डिफिनेशन में लिखना इफ रिमाइंडर इज जीरो, यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग को जीरो मिल रहा है, इफ रिमाइंडर इज जीरो देन डेसिमल एक्सपेंशन इफ रिमाइंडर इज जीरो देन डेसिमल एक्सपेंशन इंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है फाइनली कुछ स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा, दीज डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग।
एनसीईआरटी में डिफिनेशन नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है उतना। They have started from this Euclid's division or something like that. लेकिन रेशनल है उसमें, प्रूफ करने के लिए आया है कि प्रूफ करो कि रूट टू हमारा इरेशनल है, वो सारा है। हाँ, तो सारा कुछ आगे जाना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये सारा कुछ है ना। सारा कुछ देख लेंगे, डिवीजन लेवा भी देखेंगे। उसके बाद लिखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप टू। टाइप टू में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/3, तो ये हम लोग आएगा 0.333 डॉट डॉट इस तरह से। या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/7, तो ये हम लोग का ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसको बोलते हैं। क्या बोल रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग इसी को तो बोलेंगे। हाँ, तो कुल मिलाकर इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे, क्योंकि कहीं पर एक खत्म नहीं हो रहा है। रिकरिंग मतलब कि कुछ समय के बाद वो बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो गया, जैसे 0.3 के बाद तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिकरिंग हम लोग बोलते हैं। 1/7 को अगर करोगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 0.142857, 2857 आता है, और इसके बाद ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको रिकरिंग बोलेंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0.3, और यहाँ पर एक साइन लगा देते हैं, मतलब रिकरिंग बार बार सेम की जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में रिकरिंग है, एक निश्चित वैल्यू के बाद बार बार रिपीट होने लगा, एक निश्चित स्टेप के बाद ये रिपीट होने लगा बार बार। और इसमें लिखो इन बोथ एग्जांपल्स रिमाइंडर इज नेवर बिकम जीरो सो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नेवर एंड्स। After some steps of division, these type of decimal expansion are called non-terminating. खत्म नहीं हो रहा है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप हो सकता है, एक रिकरिंग हो सकता है, एक नॉन रिकरिंग हो सकता है। हम लोग जो दोनों एग्जांपल लिए हैं वो दोनों का दोनों रिकरिंग है, ठीक है। आगे हम लोग एग्जांपल लेंगे टाइप थ्री में, जिसमें और नॉन रिकरिंग भी रहेगा। इसी में और लिखना इन एबव एग्जांपल, ब्रैकेट में कर लेना 1/7, नहीं छोड़ दो, 1/7 लिखने की जरूरत नहीं है। इन एबव एग्जांपल आफ्टर फर्स्ट स्टेप पहला वाला एग्जांपल में पहले स्टेप के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया, एंड सिक्स्थ स्टेप जो कि सेकेंड वाला एग्जांपल में है, छठा स्टेप के बाद बार बार रिपीट होना शुरू हो गया ऑफ डिवीजन।
वी गेट रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, मतलब जो ऊपर में था क्वेश्चन वही आ गया एक बार फिर से 6 स्टेप के बाद। डिविडेंड, डिविडेंड किसको बोलते हैं पता है ना, ऊपर वाला जो पार्ट होता है न्यूमरेटर उसी को डिविडेंड बोलते हैं। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, सो डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग, अब ब्रैकेट में कर लेना रिकरिंग। उसके बाद नीचे लिखना सो दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम क्या क्या लिखवाए हैं, सबसे पहले हम लिखवाए हैं कि हमारा ऊपर वाला जो स्टेप था उसमें लिखवाए हैं कि ए जो है डिवीजन करने के बाद कभी खत्म नहीं हो रहा है, ए 0.33333 आते जा रहा है, या फिर नीचे वाला एग्जांपल मिलो तो 1.0.142857 फिर से ये चीज मतलब इनफिनाइट तक जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस केस में इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लिखवाए हैं कि ऊपर वाला जो एग्जांपल है फर्स्ट स्टेप के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है, या फिर डिवाइड किए ना, जैसे ऊपर को ए 1 डिविडेंड है हमारा, यहाँ पर हम डिवाइड किए 0 बार में लगाए 1 पॉइंट देखे 10, फिर 3 बार में 9, फिर 1। अब देखो यही चीज फिर से आ गया, मतलब डिविडेंड आ गया, एक स्टेप के बाद डिविडेंड आ गया, तो और बार बार रिपीट होने लगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग। सेकेंड वाला केस में 6 स्टेप के बाद फिर से 1 आ गया, मतलब डिवाइड करते रहो फिर से 1 आ जाएगा जो कि ऊपर में था, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद लिखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में लिखना द डेसिमल एक्सपेंशन 0.123495 कुछ भी लिख दो जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए और इन्फिनाइट तक जाना चाहिए। द डेसिमल एक्सपेंशन ऊपर वाला जो लिखे हो इज नॉट एंड एनीवेयर, इज नॉट एंड एनीवेयर, ऑल्सो देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ डिजिट, ऑल्सो देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ डिजिट, ब्रैकेट में कर लेना नॉट रिफ्टिंग। ऑल्सो नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग, ऐसे भी लिख लो सिंपल लैंग्वेज में, नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग, सो दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। उसके बाद लिखना दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, अगर इस तरह से खत्म नहीं हो रहा तो ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन ए इरेशनल नहीं है, ये ध्यान देना, ये दोनों जो है रेशनल है, ए रेशनल है, ए रेशनल है, पर ए वाला जो है हमारा इरेशनल है।
अब कुछ एग्जांपल करवा रहे हैं, इसको बताना कि किस टाइप का नंबर है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 0.125692168, ये क्या होगा, रेशनल कि इरेशनल? नहीं, ये रेशनल है। इरेशनल तब होगा जब वो खत्म नहीं हो रहा हो, इनफिनिटी जा रहा हो। जैसे अंडर रूट थ्री, ये कभी खत्म नहीं होता है। अंडर रूट टू, पाई, ये सारा कभी खत्म नहीं होगा, इनफिनिट तक जाएगा। जो खत्म हो रहा है या फिर जो एक निश्चित पैटर्न बना रहा है, उसको हम लोग रेशनल बोलते हैं। तो ये हमारा रेशनल हो गया। उसके बाद टर्मिनेटिंग की नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.125692168, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ए रेशनल की ई रेशनल? ये ई रेशनल हो जाएगा ना। पैटर्न नहीं बना रहा है ना, 1 2 5 6 9, पैटर्न नहीं बना रहा है, ई रेशनल। टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं 0.125692168, फिर 1 2 5 6 9 2 1 6 8 डॉट डॉट डॉट, एक है रेशनल की ई रेशनल? ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल, क्योंकि यहाँ पर ये रिपीट होना शुरू हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0.125692168, इस तरह से। तो ये रेशनल हो गया। और टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इनफिनाइट तक जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग की नॉन रिकरिंग? रिकरिंग मतलब क्या, मतलब बार बार एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, तो ये रिकरिंग हो जाएगा। समझा गया ना? बस आज इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद अगला दिन क्वेश्चन कराएंगे। एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी। किस चीज का पिक्चर? एनसीईआरटी तो है मेरे पास, पहले थ्योरी करवा लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर का क्वेश्चन देखेंगे। लीनियर इक्वेशन? अच्छा, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लीव कर दो। हाँ हाँ 6 PM। ओके, बाय। सिलेबस तुम्हारा मिल गया?